कि दाई मदर की हैसियत तो नहीं देखता कि इसकी हैसियत क्या है, बल्कि उसके उसके दिल में कीमत होती है कि इस आदमी की क्या कीमत है। इसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान का दर्जा इससे कम नहीं समझते थे कि आप उसको दावत दें। जी हाँ, आपका थकना होता था दो कामों में, आपका थकना होता था दो कामों में, एक इबादत में, एक इफ़्रादी इबादत में, एक इफ़्रादी दावत में। ये दो चीज़ें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा थकने की होती थी, दावत में और इबादत में। जी हाँ, अल्लाह ने माफ़ फरमाए, इस जमाने में मुसलमान ही जो इन्हीं दो कामों के लिए नहीं थकता, इन दो कामों के लिए नहीं थकता, क्या नमाज तो फराइज तक वो भी मुश्किल से, और दावत के दावत तो हो गई ना, किताबें भरी पड़ी हैं कुतुबखानों में, लो पढ़ो। जी हाँ, यही दावत, अब दावत तो तरीके से रह गई है, या कहीं तकरीर मिल जावे या कहीं तहरीर मिल जावे, तहरीर और तकरीर इसमें रह गई दावत। पर आप गौर करें सुन्नत पर कि आपको दौरे नबूवत में दो चीजें कम मिलेंगी, तहरीर बहुत कम, वो भी किसी बादशाह को लिखी है बतौर सबूत के, उसको भी जमात लेकर गई, वो भी डाक से नहीं गई। ये दो चीजें बहुत कम मिलेंगी, तकरीर और तहरीर, तकरीर और तहरीर बहुत कम मिलेंगी सहाबा के और आपके जमाने में। इंफ्राई दावत बहुत मिलेगी, इंफ्राई दावत ज्यादा मिलेगी। जी हाँ, तहरीर तकरीर नहीं मिलेगी दावत में नबी की, या नबी की दावत में तहरीर तकरीर नहीं मिलेगी। सिर्फ एक दिन आपने बयान किया है सुबह से शाम तक, जिसमें सब कुछ होना बताया था कयामत तक क्या क्या पेश आएगा, वरना दो चीजें असल हैं आपकी, इंफरादी दावत, इंफरादी इबादत, ये दो चीजें आपके खास हैं, इंफरादी दावत, इंफरादी इबादत, ये दो चीजें आपकी खास हैं, इफ़्रादी दावत, इफ़्रादी इबादत। आप इफ़्रादी दावत में अपने आप को इतना थकाते थे अल्लाह अकबर कि अल्लाह को भी प्यार आता था और सहाबा को भी तरस आता था। हकम दिन के साथ आप दावत देने में लगे तो थक गए, देर हो गई, और हकम दिन के साथ इस्लाम से इनकार करें, क्या नहीं मैं इस्लाम में कबूल नहीं करें, और आप दावत दें और वो इनकार करें, आप कोशिश करें वो इनकार करें, हाँ ये नहीं कि नहीं मानते तो जाओ, नहीं मानते तो जाओ, ऐसा नहीं कि बहसत का मकसद ही उम्मत को जहन्नम से बचाना है। जी हाँ, तो आप दावत देते रहे वो इनकार करते रहे, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपकी इस कोशिश पर तरस आ गया, और उमर ने सोचा कि कब तक आप कोशिश करेंगे इस पर, और उमर ने कहा कि ये कभी इस्लाम नहीं लाएगा, इस्लाम इसके मुकद्दर में नहीं है, इसे मेरे हवाले कर दीजिए ताकि मैं इसे कत्ल करूं और ये जहन्नम में ठिकाने पर पहुंच जाए, इसका ठिकाना जहन्नम है, थोड़ी इसको इसको मेरे हवाले कीजिए, मैं इसको कत्ल कर देता हूं, क्योंकि हम समझा रहे हैं इस्लाम और इस्लामी लाता इसे हमारे हवाले कीजिए। और फरमाते हैं तुम्हारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मेरी बात की तरफ आपने कोई तवज्जो नहीं दी, मेरी तरफ देखा भी नहीं, और मैं फिक्र में पड़ गया कि ये मैंने क्या किया, आप तो मेरे देख भी नहीं रहे, और मैं क्यों बोला, तो फरमाने लगे कि मुझे तसल्ली इस बात से हो गई कि मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल की खैरख्वाही में कह रहा था, आप थक रहे इसके पीछे, मैं इसलिए कहा था, हर बार खामोश हो गए और आप उसको दावत देते रहे, यहाँ तक के हकम बिन कैसान ने इस्लाम कबूल कर लिया। हाँ सुनो, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, दिया इसलिए गैस समझते थे कि दाई की कोशिश मदो की हिदायत का सबब बनती है। ये नहीं बात काम में पड़ गई, मेरा काम हो गया, जिम्मेदारी अदा हो गई, नहीं, अल्लाह रब इज्जत इसी कोशिश को देखकर फैसला करते हैं। सहाबा मैदान क़िताल में दावत देते थे, ये नहीं कि अब तो क़िताल ही होगा, अब दावत का वक्त नहीं है, जराजा इस्लाम लाए हैं मैदान क़िताल में हज़रत खालिद की दावत पर, खालिद की दावत पर जराजा ने इस्लाम कबूल किया है मैदान क़िताल में, सिर्फ सारा रूम की फौज का कहा इस्लाम कबूल किया मैदान क़िताल में, दोनों तरफ की फौज आमने सामने हमला होने वाला है, और खालिद ने कहा जराजा मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, वो आगे आए, खालिद आगे बढ़े, वो समझते थे कि धोखे से कत्ल करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता,
मुसलमान धोखा नहीं देता, मुसलमान धोखा नहीं देता। जी आगे बढ़े, हज़रत खालिद आगे बढ़े और करीब आ गए दोनों। ये क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? कि हम कहना चाहते हैं कि इस्लाम ले आओ, ये चाहते हैं कि इस्लाम ले आओ। अल्लाह ने देख लिया कि मेरी मखलूक की हिदायत के तालिब हैं और वो इनके खून के तालिब हैं। ये मेरी मखलूक की हिदायत के तालिब हैं और ये इनके खून के तालिब हैं। अल्लाह ये देखते हैं। और वहां अल्लाह ने दिल पलट दिया तो खालिद ने मैदान क़िताल में पीछे फौज खड़ी की है उनकी अपनी, वो फौज के सिपह सालार, और खालिद की दावत पर इस्लाम कबूल कर लिया। और खालिद फौरन ले गए अपने खेमे में, गुसल करवाया, दो रकात नमाज पढ़वाई, नमाज से फारिग हुए, फौज ने हमला किया, ये शहीद हो गए। जी और सीधे शहीद होते ही सीधे जन्नत में। जी लोग रश करते थे कि ऐसे भी लोग हैं, ये पहला कदम इस्लाम में, दूसरा कदम जन्नत में। नमाज कोई नहीं मिली इनको, इनको नमाज कोई नहीं मिली सिवाय उस दो रकात के जो इस्लाम में दाखिल होने की पढ़ी जाती है। इसके अलावा कोई नमाज नहीं, एक नमाज इस्लाम में नहीं पढ़ी इन्होंने। ये है, मैं इसकी अर्ज कर रहा था, दावत की सुन्नत है, दावत की है सुन्नत है। जी हाँ, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर सहाबी को दाई बनाया था। कोई कहीं भी रहता था किसी भी काम में किसी भी माहौल में,